प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह के स्टूडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रियो, आज के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको बहुत तरह से आशीषित करें। मैं आज आपको एक गवाही बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत आत्मिक है और हमारे लिए एक बहुत लाभदायक है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आशीषित होने पाए। प्रियो, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि उस बहन का नाम है मेरी, जो कि वो क्या है 19 ईयर की है और उनको परमेश्वर ने क्या है प्रॉफिट बनाया था, लेकिन क्या है वो अपने आप को प्रॉफिट नहीं मानती, वो भविष्यवक्ता नहीं मानती। जब उसकी मम्मी बचपन से ही उसको क्या करती है प्रॉफिट करके उसको पुकारती है, आपको परमेश्वर ने सुना है इस तरह से उसको पुकार कर कहती है प्रियो, लेकिन वो बेटी क्या है उसको गुस्सा आता है जब उसकी मम्मी कहती है प्रॉफिट करके उस बेटी को पुकारती है, मेरी बेटी आपको परमेश्वर ने चुन लिया इस तरह से उसको कहती है, लेकिन वो बेटी क्या करती है जब उससे ये इस तरह से पुकारते तो वो गुस्सा होती है और उसको अच्छा नहीं लगते। तो प्रियो क्या है कि एक दिन वो बेटी क्या है मेरी क्या है उसकी मम्मी से पूछती है कि मुझे प्रॉफिट क्यों पुकारते इस तरह से वो कहती है। फिर उसकी मम्मी उसको कहती है, मुझे बच्चे नहीं थे तब मैंने एक पास्टर से प्रार्थना करवाया था और पास्टर ने कहा था कि जो बेटी आएगी वो प्रॉफिट होगी, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाएगा इस तरह से उसने कहा था और उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, इसलिए मैं इस तरह से कहती हूँ बेटी, इस तरह से वो कहता है और अपनी बेटी को पुकारती है। फिर उसके बाद उसके पापा भी उसको क्या है मजाक मस्ती करते हैं और अलग अलग तरह के नाम लेकर उसको बुलाते हैं। प्रियो, वो अलग अलग तरीके से वो क्या है गुस्से में आ जाती है और अलग अलग टेंशन से आ जाती है। और फिर क्या होता है कि एक दिन जब वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे भी उससे इस तरह से पुकारते हैं तो फिर उसको बुरा लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर उससे बातचीत करता है। प्रियो, जिसको भी परमेश्वर उसकी सेवा के लिए चुनता है उन सभी को याद रखने की जरूरत है, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। परमेश्वर की सेवा के लिए जो कोई अलग किया जाता है उनको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर की सेवा में उसको आगे बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर क्या है घर में रचने से पहले ही वो चुन लेता है। प्रियो, इसलिए उस मेरी को क्या है पता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, लेकिन उसकी मम्मी को करेक्ट पता था कि ये परमेश्वर की चुनी हुई दासी है, इस तरह से उसको पता था, इसलिए उसकी मम्मी क्या है उसको प्रॉफिट कर पुकारती थी। और एक दिन वो पूछती है तो इस तरह से वो स्टोरी पूरी बताती, जब मेरे पास बेटे नहीं थे तब मैंने प्रार्थना करवाया था और पास्टर ने मुझे इस तरह से कहा था, इसलिए मैं बेटी तुझे इस तरह से पुकारती। फिर वो स्कूल में जाती है और उसके बाद परमेश्वर उसको 3 बार बातचीत करते हैं प्रियो, और तीनों बार है बेटी कर वो पुकारता है, परमेश्वर उससे पुकारता है, फिर वो आवाज़ सुनती है। फिर उसके बाद क्या होती है कि वो प्रार्थना करने लग जाती है और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाती है प्रियो, और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। फिर क्या है उसके पिताजी के लिए वो प्रार्थना करते हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी करना शुरू कर देती है, और उसके पिताजी को इस तरह से कहती है आपके लिए एक नया जगह जो कि परमेश्वर ने दिया है, इस तरह से तो वहां पर उनको जगह मिला प्रियो। तो वो क्या है परमेश्वर से वरदान पाई और भविष्यवाणी का वरदान पाई प्रियो वहां पर। तो इस तरह से परमेश्वर जिसको चुनता है उसकी सेवा के लिए उसको ध्यान रखने की जरूरत है, परमेश्वर की सेवा में वो लगे रहे प्रियो। तो इस मेरी को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया और उसके बाद उसको और विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने खुद उसको बातचीत किया। जिस तरह शमूएल को आप देखते हैं कि शमूएल क्या था परमेश्वर के भवन में रहता था तो उसको पता नहीं चलता था कि परमेश्वर उससे बातचीत करता, जब परमेश्वर उससे पुकारता है शमूएल है शमूएल, तब क्या याजक पास जाकर कहता है जी आपने पुकारा, इस तरह से वो कहता है प्रियो। फिर एली याजक भी सोचने लग जाता है कि ये तो परमेश्वर से उससे बातचीत कर रहा है। फिर एली याजक क्या है उस शमूएल को समझा देता है और जब परमेश्वर पुकारे तो उसकी सुनना, इस तरह से कहना यह तेरा दास से मुझे बता, इस तरह से उसको बोलने के लिए वहां पर उसको समझा दिया। उसके बाद क्या है परमेश्वर उससे बातचीत करना करता है और नई नई बातों को वहां पर सिखाता है और परमेश्वर की सेवा में वो लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मेरी जो कि एक बच्ची थी जब 19 साल की हुई तब उसको पता चला प्रियो, जब बचपन से ही उसको पुकारते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था, मुझे ऐसा क्यों पुकार रहे इस तरह से कहता था, लेकिन क्या है परमेश्वर के उसको चुन लिया था प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर की जो कि सेवकाई के लिए किसी को चुन लेता है तो उसको आगे आने की जरूरत है प्रियो, हमको इनकार नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो बुलावा आता है जो कि उसकी सेवा के लिए, तो हमको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। आप सभी को जय मसीह की ये गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तरह से आशीषित करे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू।